बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल निकले हैं मैदान में हम जहां हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। कदमों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला है, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, मैं आरआईआईटी जम्मू के अंदर एसआरएफ के पद पे कार्यरत हूँ। तो उसी अभी हमारे जो सीसीआरएस के प्रोजेक्ट चलते हैं उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरा मेंडर आना हुआ टीएससीआरबी। तो जब हम टीएससीआरबी मेंडर में आए तो हमारी एक जो सिक्योरिटी कंपनी लगी है बीएसएफ की 183 बटालियन, वहां पे वो भी डाक बंगला में ठहरे हुए हैं। तो उसी बीच मेरे क्या एक हमारे जो वहां के जो सीनियर अफसर है उनसे मुलाकात हुई, जवान से मुलाकात हुई। तो फिर वहां पे हमने एक जवान हमारे से देखे थे जिनका नाम देवेंद्र जी है और वो भी 183 के अंदर कार्यरत है, उसके अंदर कांस्टेबल के पद में। तो वो अभी काफी समय से 2.5 साल से मतलब अपनी जो ये बैक जो अपनी कटी शूल रहते उससे काफी परेशान थे। उनको स्पाइनल स्टिनोसिस L3, L4, L5 में डिस्क में प्रॉब्लम, ब्लजिंग और काफी प्रॉब्लम थी। तो वो उन सिले में मैंने उनके मेरे पास उस वक्त उनकी रिपोर्ट नहीं थी, बट जब हमें रिपोर्ट मंगाई हेडक्वार्टर से तो मैंने वो भी देखा, लेकिन उससे पहले मैंने समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उस ट्रीटमेंट में मैंने ज्यादा कुछ इनको ना देखे, सिर्फ क्या किया कि जो अपना हमारे निर्गुंडी तेल होता है उस निर्गुंडी तेल का अभ्यंग और स्वेदन वो किया, और रिहेबिलेशन जो एक्सरसाइज होती है जैसे पवन मुक्तासन हुआ और भुजंगासन हुआ, ये कुछ एक्सरसाइज इनसे करवाई। और मैंने ये रिजल्ट एक दिन बाद ही देखा कि इनको कितना रिलीफ मिला, क्योंकि ये 2.5 साल से इतने ज्यादा परेशान थे, काफी मतलब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हर जगह, मतलब उनको मतलब वो सब कुछ जो ट्रीटमेंट है वो मिला नहीं। तो फिर इनको एक दिन के अंदर ये मतलब जैसे लकड़ी के सारे चलते थे और एक दिन वो भागने लगे थे, ये मतलब एक सरप्राइजिंग थिंग है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मतलब आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है वो ऐसा सब कुछ सही कर सकता है। तो चलो हम खुद हमारे जवान से जानते हैं कि वो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने बारे में वो अपना खुद पूरा बताएंगे। हाँ सर बताइए। जैन सर, मैं कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, 183 बटालियन डेल्टा कंपनी। मैं 2.5 साल से बहुत परेशान था, मेरी डिस्क में प्रॉब्लम थी L4 L5 में। मैं काफी एक्सरसाइज भी किया, जहां भी जिसने भी बताया वहां मैं दिखाया। कलकत्ता एक बार गया था तो वहां पे मेरा ऑपरेशन के लिए बोला, मैंने मना कर दिया था। बाकी हमारी यूनिट मंदर मंडी में डिप्लाई है, तो हमारी एक कंपनी एफ कंपनी यहां मिंटर में आईएफ ड्यूटी में लगी हुई है। तो मैं यहां पे आया था ड्यूटी के लिए, तो यहां पे हमारे डॉक्टर साहब श्री मनीष कुमार गहलोत जी यहां पर आए, आयुर्वेद के डॉक्टर साहब हैं ये। तो ये हमारी कंपनी कमांडर साहब से मिले, तो इन्होंने बताया, तो मैंने भी थोड़ा प्रयास किया, इनसे बातचीत किया, अपनी
प्रॉब्लम के बारे में बताया तो इन्होंने मेरे को देखा, तो एक दो दिन इन्होंने मेरे को निर्गुंडी का तेल लगा के एक्सरसाइज भी बताया, वो भी किया। तो मैं पहले तो छड़ी से चलता था, लेकिन एक दो दिन में मेरे से छड़ी छूट गई और मुझे काफी रिलीफ मिला। तो इनको आए हुए आज एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते में मैं इतना हो गया हूँ खड़े होकर, तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ, हल्का फुल्का दौड़ भी लेता हूँ और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। RAIUD जम्मू औषधालय बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा मेरे को लगा और बहुत उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अंदर से मेरे को इतना महसूस हो रहा है कि ठीक होने की उम्मीद लग रही है। पहले एक बार तो मैं ऐसे लग रहा था मैं ठीक होऊंगा या नहीं, ऐसे ही तो नहीं रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि हम लोग जो भी आयुर्वेद का पालन करना चाहिए और जैसे कि मतलब क्या इसके बारे में? मैं तो खुद अपने पे एक्सपीरियंस किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर जवान को या जिस किसी की प्रॉब्लम है उनको आयुर्वेद को एक बार जरूर देखें और सेवन करें, सेवन करें। तो देखो आपने इनसे जाना, इन्होंने बताया अपने खुद के जीवन की, मतलब जो अभी पिछले 5-10 दिन की बातें हो रही है कि कैसे इनके जीवन में मतलब चेंजेस हो गए, और हमने खुद ने देखा और यहाँ के जो हमारे डिप्टी कमांडर सर है और इंस्पेक्टर सर है, SI सर है, सब ने जिन्होंने इन्होंने भी महसूस किया है कि मतलब कि कितना इफेक्टिव है, क्योंकि इन सबको भी बहुत खुशी है कि इनका एग्जाम चलने लग गया। क्योंकि मैंने भी देखा कि छड़ी के सारे चल रहे थे, तो ये बहुत ही मतलब कि हमारे लिए भी एक चिकित्सक होने के नाते भी बहुत बड़े गर्व की बात होती है कि आज मतलब जो जवान 2.5 साल से बिस्तर पे लेटे हुए थे वो अचानक से चलने लगे। मतलब मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने मतलब जो लोकल एप्लीकेशन में जो निर्गुंडी तेल होता है मैंने उसका जो अपना अभ्यंग और स्वेदन किया, अभ्यंग किया मैंने कम से कम 30-45 मिनट तक, और उसके बाद में जो क्योंकि ज्यादा यहाँ पे हम जब दूर आए तो हमारे पास सारा इतना व्यवस्था भी नहीं होती थी, हम कट्टी बस्ती और के लिए सब कुछ, तो मेरे पास जितना युक्ति का इस्तेमाल करके जो जो मैंने कर सकता मैंने किया, गर्म पानी, हॉट वाटर, बैग और वह सब इस्तेमाल करके, और कुछ मेडिसिन दी, मेडिसिन में मैंने इनको अपना अश्वगंधा चूर्ण दिया 5 ग्राम BD और साथ में इनको मैंने अपना ये पुनर्नवा उगलू दिया और कुछ भी नहीं दिया। बाकी जो सबसे ज्यादा क्योंकि एक दिन में रिलीफ आ रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे निर्गुंडी तेल के लग रहा है, क्योंकि और मैंने एक दो जवान गौर किया उनको।